times where I go, I have always taken hold on me. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रामपुर का स्टकान। होप यू ऑल आर फिट, हेल्दी, फाइन एंड एक्टिव। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं खुद चिकन कढ़ाई बनाने वाला हूँ, बहुत इजी सिंपल रेसिपी। आप लोगों ने रेसिपी बिल्कुल ही मिस नहीं करनी, वीडियो का एंड तक देखना। चलें स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 700 ग्राम चिकन ले लिए, 5 से 6 मैंने टमाटर लिए थे, उनको बीच में से मैंने हाफ कर लिया, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून है ये, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून मैंने ये लाल पिसी मिर्चें लिए, 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ जीरा लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, और ये 1/2 टेबल स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। व्यूअर्स, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ऑयल लेना है, डोंगे का जो चम्मच होता है ना, 2 चम्मच हमने ऑयल डालना है। अब हम ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर चिकन डाल देंगे। एक खाने के चम्मच लहसुन अदरक डालेंगे। व्यूअर्स, हम लोगों ने टमाटर को इस तरह से रखना है। व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर 1.5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन को डाला, उसको भूनने के बाद मैंने इसके बाद टमाटर इस तरीके से बचा लिए। अब ना स्टीम से ये टमाटर की जो स्किन है वो अलग हो जाएगी, हम जब थोड़ी देर इसको ढकेंगे फिर उसके बाद ना इसकी स्किन को हटा लेंगे। जी व्यूवर्स, टाइम हो गया टमाटरों के छिलके हटाने का, देखें। व्यूवर्स, अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो टमाटर इसे मेल्ट भी नहीं होगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा, टमाटर ना खुद ही डिजॉल्व हो जाएंगे। ये मसाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे वीडियो के शुरू में, ये सारे मसाले मैं ऐड कर दूंगा। अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखा दूँ क्या होता है। बस इसका मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो टमाटर जा रहे थे टमाटर भी डिजॉल्व हो गए हैं, और जो मसाला जा रहा था वो भी पक चुका है, और जिसका ऑयल है वो भी ऊपर आ गया। अब इसको हम भूनेंगे, सही से भूनना है इसको, बिल्कुल ही कोई कसर नहीं छोड़नी। व्यूअर्स, मैंने जूलियन कट के अंदर अदरक काट लिए, और मिर्चों के अंदर भी इस तरह से कट लगा लिए हैं, और ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं। जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तकरीबन, इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है, मैंने इसके जो हरी मिर्च और अदरक डाला है उसकी वजह से हम लोग इसको थोड़ा ढक देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर ऐड हो जाए। 2 मिनट बाद ये बिल्कुल 100% रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा अदरक जो बचा था गार्निशिंग कर लूँगा उससे इसकी। हमारी बहुत ही मज़ेदार तरीन कढ़ाई जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है, ये मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाई है। आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है, और कमेंट में बताने कि आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जब तक इन्हें अल्लाह हाफिज़। I'm gonna go to the bathroom.